नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के मामले में पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाने की रणनीति अख्तियार कर चुके हैं। शुक्रवार देर रात अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत में कनाडाई राजनयिकों को हटाने से संबंधित फैसले पर न सिर्फ चिंता जताई है बल्कि ये भी कहा है कि भारत को वियना समझौते का पालन करना चाहिए। दूसरी तरफ भारत अपने रुख पर अड़िग है। नहीं सुलझ रहा भारत कनाडा विवाद। भारत का कहना है कि उसने वियना समझौते के तहत ही दोनों देशों के बीच राजनयिकों की संख्या में तालमेल स्थापित करने के लिए कनाडाई राजनयिकों को हटाने का फैसला किया है। पहले भी ये कहा जा चुका है कि कनाडा के राजनयिक भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, जो स्वीकार नहीं। विवाद सुलझाने के लिए भारत और कनाडा के बीच चल रहे कूटनीतिक विमर्श का भी कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। राजनयिकों की वापसी से काफी चिंतित अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम भारत से कनाडाई राजनयिकों की वापसी से काफी चिंतित हैं। यह वापसी भारत की मांग के बाद हुई है जिससे कनाडाई राजनयिकों की संख्या काफी घट गई है। किसी भी विवाद के समाधान के लिए राजनयिकों की उपस्थिति बहुत जरूरी है। हमने भारत सरकार से आग्रह किया था कि वे कनाडाई राजनयिकों की संख्या घटाने के लिए दबाव ना बनाएं और कनाडा की तरफ से जारी जांच में मदद करें। हमें उम्मीद है कि भारत कूटनीतिक संबंधों को लेकर वर्ष 1961 के वियना समझौते का पालन करेगा। इसमें अधिसूचित राजनयिकों के अधिकारों में उनके हितों की रक्षा करना भी शामिल है। भारत पर दबाव। ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय की तरफ जारी बयान में भी मोटे तौर पर यही बातें कही गई हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि सभी देश वियना समझौते का पालन करेंगे। राजनयिकों को दी जाने वाली सहूलियतों के मनमाने तरीके से हटाना वियना समझौते के मुताबिक नहीं है। हम भारत से फिर आग्रह करते हैं कि वे हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के मामले में कनाडा की सरकार के साथ सहयोग करें। तीन शहरों में राजनयिकों की संख्या घटाना कनाडा का एक तरफा फैसला। भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार पूरे प्रकरण पर विस्तार से जवाब दे दिया था। ब्रिटेन व अमेरिका की प्रतिक्रियाओं को लेकर विदेश मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा है, जबकि विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि कनाडा सरकार ने एक तरफा तरीके से चंडीगढ़, मुंबई व बेंगलुरु में अपने राजनयिकों की संख्या घटाई है। भारत की तरफ से इन शहरों में राजनयिकों की संख्या को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। भारत सिर्फ ओटावा और नई दिल्ली स्थित राजनयिकों की संख्या को समायोजित करने को लेकर बात कर रहा था। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।